तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्राइम। तो गाइस कैसे आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं ट्रैक्टर को लेके छोटे वाले खेत में। तो आज हम लोग वहाँ पे खरपतवार निकाल रहे थे, तो हमने सोचा कि उनको इकट्ठा करके गाँव ले जाते हैं, क्योंकि आज ट्रैक्टर गाँव जाने वाला है। तो हमने सोचा उसको इकट्ठा करके गाँव ले जाएंगे, तो गायें वो खा लेगी। और ट्रैक्टर हमें इसलिए गाँव ले जाना पड़ रहा है क्योंकि बूस्टर जो था यहाँ पर होता था, बूस्टर शायद आपको पता हो, तो वो ख़राब हो गया था। उसको रिपेयरिंग के लिए दिया था, तो वो अभी तैयार है, तो उसको लाने के लिए ट्रैक्टर तो ले जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि खाली क्यों जाना पड़े, हम साथ में ये भी ले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रैक्टर को लेके। तो गाइस लेट्स बिगिन टू प्राइम। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी तो ट्रैक्टर के पीछे ये ड्रम अटैच्ड है, तो हम लोग इसको वापस से करेंगे और इसके पीछे एक छोटा ट्रॉले जैसा कुछ होता है, तो वो इसके साथ जोड़ लेंगे। खरपतवार है वो आसानी से चला जाएगा और बूस्टर भी आसानी से आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। तो गाइस हमको जो सामान लेना था वो हमने ले लिया है, साथ में एक पानी की बोतल भी रख ली है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं हम इसको स्टार्ट। तो गाइस ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के बाद कुछ देर तक इसको गर्म होने देना चाहिए, ताकि यह इसका इंजन है वो अच्छे से काम करना स्टार्ट हो जाए। यूँ नहीं कि जैसे 2 दिन से ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा है और हमने स्टार्ट किया और चल दिया, भाई ऐसा करने से इंजन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसके लिए एक ट्रिक यही होगी कि हम इसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने दें, तो ये थोड़ी देर तक गर्म रहते हैं और बाद में हम चलते। तो चलिए गाइस चलते हैं फिर। कई समय यहाँ पर ही इसको छोड़ना है। तो गाइस इसलिए सबसे पहले हम इसको डिटैच कर देते हैं, इसको खोल देते हैं यहाँ पर। तो गाइस हमें जो चाहिए वो ये है, तो इस ट्रैक्टर से हमें इसे डिटैच करना पड़ेगा। तो गाइस अब हमें इसे खोलना पड़ेगा, इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए बैठते हैं। तो गाइस अभी प्लान में चेंज हो गया है, हम लोग ट्रॉली लेके ही जा रहे हैं, उस वो नहीं लेके जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, ट्रॉली लेके चलते हैं। तो गाइस ट्रॉली तो हमने खेत के पास लगा दी है और इसमें ये डालने शुरू कर दिया है। तो गाइस ये इतना भारी है कि इसको यहाँ तक लाने में गर्दन की बैंड बज जाती है। तो चलिए जल्दी करते हैं, बारिश भी शायद होने वाली है और शाम को लेट भी हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हम इसको भर देते हैं। पड़ोला पड़ोला पड़ोला। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ। अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।